सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप किस तरह से व्हाट्सअप मैसेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो, या फिर कई समय क्या होता है कि कोई सेलिब्रेशन होता है तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपको बधाई देते हैं, रिप्लाई में उनको थैंक यू लिखते हैं, या फिर आप रिप्लाई में कुछ अच्छा वर्ड यूज करते हैं, तो आप बार बार उस वर्ड को या बार बार उस सेंटेंस को लिखना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक सेंटेंस लिखिए, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और जितने भी चाहे उतने लोगों को आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपने पेस्ट किया हुआ है। क्योंकि जब हम किसी मैसेज को या मीडिया को फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पर फॉरवर्ड लिख के आ जाता है, तो जिससे पता चल जाता है कि ये जो मैसेज है या फिर फ़ोटो है या कुछ है, ये फॉरवर्ड किया गया है। लेकिन अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो नहीं पता चलता है, ठीक है। तो आप किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ओपन किया हुआ है व्हाट्सअप को। व्हाट्सअप पर जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिया हुआ है रोहित के शुक्ला, इस पर मैंने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हैप्पी न्यू ईयर आया हुआ था, तो हैप्पी न्यू ईयर में सब लोग आपको विश करते हैं, तो रिप्लाई में आपको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ता है। तो इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, एक बार हैप्पी न्यू ईयर प्लस या फिर अच्छा सा सेंटेंस लिख लीजिएगा और वही आप सबको सेंड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। तो आप कैसे करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला मैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब इस मैसेज को आप कॉपी करना चाहते हैं तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर थ्री पॉइंट्स देखेंगे, उसके पहले आपको यहाँ पर फॉरवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, तो फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर थ्री पॉइंट दिख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला इन्फो का, दूसरा कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है। अब जिसको भी आप सेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है डेली टास्क एक ग्रुप है, और इसको मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है मैसेज पर मैं क्लिक करूँगा और होल्ड करूँगा, क्लिक और होल्ड करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने क्लिक किया और होल्ड किया तो ऑटोमेटिकली पेस्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जो भी मैसेज वहाँ पर था यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिख गया है, और मैं सीधा सेंड पर क्लिक कर दूँगा तो ये सेंड हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये दिया हुआ है ये वाला जो मैसेज है, हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ। ये वाला मैसेज मैंने केवल एक बार लिखा हुआ था और सभी को मैंने इसे कॉपी पेस्ट करके भेज दिया था, क्योंकि सभी लोग आपको न्यू ईयर है या कोई भी सेलिब्रेशन है तो आपको विश करते हैं, रिप्लाई भी आपको करना पड़ता है, अगर आप रिप्लाई में लिख देते हैं सेम टू यू तो उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको सेंटेंस को लिखा हुआ था। अब मैं क्या किया, इसको यहाँ पर क्लिक किया और होल्ड किया, और फिर उसके सबसे ऊपर यहाँ पर थ्री लाइन्स दिख रहे, थ्री पॉइंट्स दिख रहे हैं, उस पर आप क्लिक करो, फिर यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखेगा तो कॉपी पर आप क्लिक कर दो तो कॉपी हो गया। अब जिसने भी आपको लिखा उसको आप तुरंत ही रिप्लाई कर दो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करो, उसने जैसे लिखा है किसी ने तो आपको उस पर पेस्ट करके यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर दो तो ये मैसेज सेंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर व्हाट्सअप में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ का जो मैसेज है कहीं और कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर थ्री पॉइंट पर क्लिक किया कॉपी कर लिया, कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि ये नोट्स दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पर नोट्स पर क्लिक कर दिया। नोट्स पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इंटरव्यू पर यहाँ पर दिया हुआ है, ये नोट्स दिया हुआ है इस पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सेम मैसेज यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर व्हाट्सअप के किसी भी मैसेज को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।